नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी ग्रंथ के सप्तम प्रकरण का नाम क्या है? तृप्ति दीपक प्रकरण है। तो तृप्ति दीपक प्रकरण जो है ग्रंथ, ये व्याख्यान है, बृहदारण्यक श्रुति का व्याख्यान है। तो बृहदारण्यक की श्रुति वो व्याख्या यह है, आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरेत। इस मंत्र में चार है विषय, चार का ही विचार यहाँ पर चल रहा है। एक तो कह दिया पुरुष, दूसरा है आत्मा, है मतलब पुरुष का स्वरूप आत्मा, वो स्वरूप कौन है आत्मा, और उस आत्मा का ज्ञान कैसा होना है। ठीक है, कह दिया कि अयम अस्मिति बीजानीयत्, ये ज्ञान इस प्रकार होना चाहिए, और ज्ञान का फल उत्तरार्ध में कहा किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसर्जित। अरे ये फल को कह दिया द्वितीय श्लोक में, जीवन मुक्तस्य या तृप्ति सा तेना विशदायते। हैं तो चित्त में सारी कामना समाप्त हो गई है ना, तो निरंकुश तृप्ति होगी। जब तक कामना है तब तक निरंकुश तृप्ति नहीं होती, वो तृप्ति क्षणिक होती है। ठीक है नारायण। तो पहला विचारणीय विषय है पुरुष, वो पुरुष कौन है। तो पुरुष को समझाने के लिए, पुरुष का अर्थ क्या है उसको समझाने के लिए भूमिका बता रहे। क्या बता रहे? भूमिका। ठीक है नारायण। तो भूमिका के रूप से तृतीय श्लोक से प्रारंभ किया। हाँ, ये माया है, माया माया से ही जीव भाव कल्पित है, माया से ही ईश्वर भाव भी कल्पित है। समझ में कि नहीं? हाँ, जो व्यक्ति स्वयं कल्पित है, सपनों का व्यक्ति जब कल्पित है तो उससे बनने वाला संसार भी क्या होगा, कल्पित हो जाएगा। स्वप्न का इंजीनियर जो कल्पित है तो इंजीनियर से बनने वाला मकान कल्पित कौन सा, छोटा मकान नहीं बड़ा मकान, चाहे कोई भी मकान हो कल्पित होगा ना। इसी प्रकार जीव भाव भी कल्पित है, ईश्वर भाव भी कल्पित है, चाहे जीव से बनने वाला हो चाहे ईश्वर से बनने वाला हो, तो सब क्या हो जाएंगे, कल्पित हो जाएंगे। ठीक है नारायण। तो ये तृतीय श्लोक है, हो गया तृतीय श्लोक। उसके बाद चतुर्थ श्लोक देखो, चौथा, तत्र केन कियत कल्पितम, केना किसके द्वारा कितना कल्पित है, केना मतलब किसके द्वारा और कियत मतलब कितना है, मतलब किसने कितना कल्पना किया, कितना बनाया, मतलब कितना बनाया, मतलब ईश्वर ने कितना बनाया और जीव ने कितना बनाया, कि नहीं उसको आप हैं संक्षेप से बताओ, विस्तार से क्या बताना है, संसार को विस्तार से जानने से कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए संक्षेप से बता दो, है ना। इत्यथा आह, इसलिए कह रहे हैं देखो चौथा श्लोक, चौथा फोर, इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः। सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि
संसारो जीव कल्पितः। देखो नारायण, ये है मंत्र, है मंत्र एक है उपनिषद महोपनिषद, महोपनिषद। उपनिषद का नाम क्या है? महोपनिषद, ठीक है नारायण। उसी का ये मंत्र है ये, हाँ उसी का पूरा पाठ है ये, ठीक है नारायण। हाँ ऐसा होता है, लिख कर रख लो। ये जो है श्लोक मंत्र है, ये महोपनिषद का मंत्र है। किस उपनिषद का? महोपनिषद। बड़ा सुंदर उपनिषद है, हाँ? तो कहते हैं कि देख लो, ईशे न कल्पिता सृष्टि, बोले ईश्वर ने कल्पना किया, मतलब ईश्वर ने बनाया माया से, ईश्वर ने माया से बनाया। तो कहाँ से कहाँ तक बनाया? बोलते इक्षण आदि प्रवेशांता, पहले इक्षण कर दिया ना, टीकाएँ बताएंगे। तत् एकचत, ईश्वर ने इक्षण किया। जैसे मकान बनाते हो ना, पहले इक्षण करते हो, मैं मकान बनाऊँ, है कि नहीं। इसी प्रकार ईश्वर ने भी इक्षण किया, मैं जगत को बनाऊँ, ठीक है नारायण। हाँ ये टीकाएँ बताएंगे। तत् एकचत बहुश्याम प्रजाय, ये पहला क्या है? पहली सृष्टि, हाँ पहली सृष्टि क्या होती है? इक्षण। पहली सृष्टि तो इक्षण होती है, लेकिन हाँ और क्या? जैसे मकान बनाते हो ना, पहली सृष्टि कहाँ पर? आपकी बुद्धि में होती है। मकान बन जाता है बुद्धि में, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना है। इसमें ईश्वर जो बनाता है ना संसार को, पहले कहाँ पर बनाते हैं? बुद्धि में। बुद्धि में क्या? माया, उनकी माया में वो इच्छण करते हैं। समझ में आया? जैसे आप निर्विकल समाधि में रहते हो, तो कोई संकल्प है नहीं? कोई संकल्प नहीं, हाँ। जब जागृत में आते तो संकल्प कर लेते हो ना, कि नहीं? तो संकल्प कहाँ पर हुआ? बुद्धि में हुआ। समझ में ना? निर्विकल समाधि में रहते हो, सुषुप्त में रहते हो, हैं? कोई सृष्टि है क्या? कुछ भी नहीं है, हैं? फिर बुद्धि में जब जागृत में लौटते हो बनाने के लिए, तो बुद्धि में होता है पहले सृष्टि। कहाँ पर होती है? मकान को बनाऊं। निर्विकल समाधि से उतरा तो संकल्प कर लिया ना, कहाँ पर संकल्प कर लिया आपने? हाँ कि बच्चा स्कूल जाएगा, है कि नहीं? गृहस्थ तो क्या सोचेगा, अरे अभी समाधि में था कि नहीं, अथवा सोया था, मान लो समाधि में था। कोई वृत्ति नहीं है, कोई वृत्ति नहीं, कोई सृष्टि है नहीं है, हाँ? कोई 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 जो है नाश्ता बनता है नहीं बनता है ना, हाँ? फिर जो बाद में जो नाश्ता बनाता है ना, मैं अब नाश्ता बनाती है, पहले कहाँ पर बनाती है? बुद्धि में। अरे भी नाश्ता बनाना है, क्या बनाना? फिर सोचती है ये बनाना है, कल ये बना था, आज ये बनाना है, उसके बाद फिर बनाने के लिए लग जाती है। है कि नहीं है? इसी प्रकार ईश्वर जो है ना, पहले इक्षण करता है कि संसार को बनाऊं। ये पहली सृष्टि क्या है? इक्षण। पहली सृष्टि इक्षण, समझ में है ना? ऐसे बताएंगे। फिर जो है शरीर को बनाया, फिर क्या किया? शरीर को बनाया। आज शरीर में क्या कर दिया? प्रविष्ट हो गया, शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट और कुछ नहीं है अभी, उसमें अभिव्यक्त हो गया। ईश्वर का प्रवेश क्या होगा? हाँ और क्या है? जैसे दर्पण में आप अभिव्यक्त हो गए, ये आपका प्रवेश है। घट के अंदर आकाश प्रवेश कर लिया तो क्या हो गया? हाँ उसमें जो है अभिव्यक्त हो गया, और क्या है? है ना, ऐसा होता है। कोई प्रवेश व्यापक को कि वास्तविक प्रवेश नहीं होता है। ईश्वर व्यापक है ना, तो उसका कोई वास्तविक प्रवेश तो नहीं, उसमें अभिव्यक्त होना, शरीर में चेतन के रूप से अभिव्यक्त हो जाना, अंतर्जामी के रूप से अभिव्यक्त हो जाना, यही होगा प्रवेश, है ना? इक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत ये किसके सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि है, ठीक है नारायण। और जीव की सृष्टि क्या होती है? देख लो जीव की सृष्टि क्या है, हाँ? जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पितः, जीवेन कल्पित जीव कल्पित। जीव भी कल्पना करता है अविद्या से, समझे कि नहीं? अविद्या के बिना क्या कल्पना करोगे?
ये संसार जीव के द्वारा बनने वाला संसार जागृत, पहले क्या है? जागृत है, जागृत जागृत है, सपना है, बराबर है कि नहीं? हाँ। और आदि से ले लो बंधन, मैं बंधन में पड़ा हूँ है कि नहीं? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ है कि नहीं? जागृत आदि से बताएंगे सब। हाँ, सपनों को ले लो और क्या, ठीक है ना? और क्या कह दिया? बोलते हैं आदि से जो भी लेना है, बंधन भी है, करता है, भोगता है, सब ले लो। और जो है बंधन से छूटने के लिए जाता है गुरु के पास, है कि नहीं? अब साधक बन गया ना, अब क्या बन गया? साधक बन, ये साधकत्व भी कल्पित है, साधकत्व भी कल्पित है, बंधन भी कल्पित है, बंधन की निवृत्ति के लिए गुरु के पास गया, अब चला बन गया कि नहीं? अपने क्या मान लिया? चला मान लिया, साधक मान लिया अपने आप को, है कि नहीं? और क्या हो गया? मुक्ति हो गई है। तो बंधन जब कल्पित है तो बंधन की निवृत्ति ये भी क्या है? ये भी कल्पित है, बंधन भी कल्पित है, बंधन से निवृत्ति ये भी कल्पित है। दृष्टांत नहीं देते महात्मा लोग, जैसे गधे का दृष्टांत देते हैं ना, गधे का दृष्टांत जानते हो? नहीं जानते हो? ओहो, अरे भाई, जैसे गधे को रोज बांधता था वो गधे का मालिक, एक दिन नहीं बांधा, एक दिन नहीं बांधा, हाँ, अब उसको ले जा रहा है, डंडा मार रहा, वो नहीं जा रहा, फिर भी गधा परेशान हो गया डंडा मारते मारते। और दूसरी कोई व्यक्ति बगल से सज्जन जा रहे थे, अरे क्यों डंडा मार रहे? ये बोलते कि जाता नहीं, कितना मारता हूँ। तो सज्जन ने बुद्धि लगाई, इसको तुम रोज बांधते थे? हाँ बांधते थे। अरे खोलते थे? हाँ खोलते थे। तो आज ऐसे भी खोलो इसको, लेकिन बांधा नहीं तो कैसे खोलना? अरे खोलने का ऐसे कर दो, एक हाथ घुमा दो ऐसे करो। तो बंधन है वास्तविक? बंधन ही वास्तविक नहीं है, और बंधन की निवृत्ति भी नहीं है। और क्या, सपनों में आपको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया कि नहीं? तो कोरोना है वास्तविक सपनों में? और वायरस लगा, क्या बोलते हैं, टीका लगवा दिया, बूस्टर डोज लगवा दिया, तो वो वास्तविक है ना? कोई जो को रोग है ना, कोई रोग की निवृत्ति, समझ में कि नहीं आ गया? इसलिए मुक्ति भी कोई वास्तविक नहीं है, बंधन की निवृत्ति भी कोई, ये भी कल्पना है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा नित्य मुक्त है, समझ में कि नहीं? इसलिए कह दिया ये हो गया संसार, ये जीव से कल्पित है, जागरण से लेकर के मुक्ति पर्यंत, मुक्ति पर्यंत ये भी कल्पित है, समझ में ना? इसलिए ज्ञान से जो मुक्ति की प्राप्ति होते हैं ना, वो हाँ नित्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात मैं तीनों अवस्थाएं पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त हूँ, आगे भी मुक्त रहूँगा। ऐसा नहीं कि पहले बंधन में था अब मुक्त हो गया, ऐसा होता है नहीं। ब्रह्मसूत्र में वाचस्पति मिश्र ने एक दृष्टांत दिया है, वो मैया जो है वो पाँव में जो है पायल पहनी है, क्या पहनी है? पायल, पायल नूपुर पायल पहनी है, उनको भ्रम हो गया कि सांप है ये। हाँ, वो मैया क्या समझ गई? ये तो सांप है, है? तो सांप वास्तविक है? बोलो, नहीं ना सर। तो सर्प का बंधन हुआ ना, बंधन हुआ, वास्तविक है क्या? नहीं है। अरे बोल, अरे नहीं है दादी माँ, ये तो पायल है, ये तो पायल है। तो सर्प की निवृत्ति होगी ना, तो वास्तविक है ना? सर्प का बंधन वास्तविक है ना, कोई निवृत्ति वास्तविक है। इसलिए अगर अज्ञान से मान लेते मैं बंधन में पड़ा हूँ, और ज्ञान हो गया तो क्या बंधन की निवृत्ति हुई? थोड़ी वास्तविक है ऐसे में। इसलिए कह रही दोनों कल्पित है, बंधन भी कल्पित है, बंधन से छुटकारा ये भी। जैसे दादी माँ को ज्ञान होता है, मुझे कितनी भ्रांति हो गई थी, ये तो नुपुर है, पायल है, ना सर्प था ना सर्प की निवृत्ति हुई, ये ज्ञान होता है कि नहीं? ज्ञान का फल यही है। आगे इसी प्रकार सुख के विषय में भी ले लो, ये तो दुख का विषय हुआ,
इसमें अगर सुख के विषय में भी वहाँ पर दृष्टांत दिया, भगवती में दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया, माला का दृष्टांत दिया, माला माला गले में है और दादी माँ जो भूल गई कि मेरी माला कहाँ चली गई, मेरी माला कहाँ चली गई। अब कोई बोलते माला तुम्हारे गले में है तो क्या हुए, वो माला तो पहले से थी, प्राप्त की प्राप्ति होती ज्ञान से, और निवृत्ति भी निवृत्त की निवृत्ति होती है, सर्प की निवृत्ति पहले से है, कहाँ पर, नूपुर में। ऐसे नहीं कि अभी निवृत्ति होगी, ज्ञान का फल ये होता ही है, ऐसे में चलो। इसलिए कहते हैं दोनों कल्पित है, जीव कल्पित है, ये ईश्वर से बनने वाला वो भी कल्पित है, ठीक है नारायण। चलो आगे बढ़ते हैं, टीका है लंबा चौड़ा भी विचार। तत् एक चत, हाँ बोलो, जीव ईश्वर, जीव जीव कल्पित, जीव भाव कल्पित है, जीव का स्वरूप, हाँ जीव स्वरूप कल्पित नहीं है, जीव का स्वरूप कल्पित, जीव भाव कल्पित है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। इसी प्रकार ईश्वर को भी लेना है, ठीक है। मैं देखिए तत् एक चत बहुश्याम प्रजा ये, वो ईश्वर ने वे ईक्षण कर दिया, फिर ईक्षण कैसे किया, माया को लेकर करेगा, और क्या, माया के बिना ईक्षण तो होगा नहीं, निर्विशेष शुद्ध चेतन में क्या ईक्षण होगा, कोई ना कोई उपाधि माया है, इसलिए उसने ईक्षण कर दिया। कैसे, बहुत श्याम प्रजा है, अनेक प्रजा हो जाऊं, क्योंकि पूर्वकल्प में भी धर्माधर्म था ना, पूर्वकल्प में भी जीवों का धर्माधर्म था, और धर्माधर्म क्या करेगा, वो फल देगा कि नहीं, धर्माधर्म का फल क्या है, सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति है, वो शरीर के बिना तो जीव को होगा नहीं। आई ईश्वर जानता है, क्या ईश्वर जानता है कि धर्माधर्म कैसा है, कैसा फल आगे मिलेगा, इसलिए उसने ईक्षण कर दिया, बात समझ में। वो सर्वज्ञ है, यश सर्वज्ञ सर्वविद, यश ज्ञानम अयम तप। आप तो पहले सोचोगे अरे मकान ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, कई इंजीनियर को बुलाओगे, ठीक है, नहीं वहाँ फेलर भी हो जाता है, ईश्वर में ऐसा नहीं होता है। वो सर्वज्ञ है, उसमें कोई भ्रांति नहीं होती, समझ में ना, इसलिए उनका ज्ञान ही तप है, क्या समझ में आया, ईश्वर का ज्ञान ही तप है, ठीक है, उनकी सर्वज्ञता यह उनका तप है, इसलिए यश्य ज्ञानमयम तप का, ज्ञान ही ईश्वर का तप है, ठीक है, उसी से ही उसने ईक्षण कर देता है, ठीक है नारायण। ये है छांदोग्य श्रुति भाई श्रुतम, टीका में देखो संशोधन करो, ईक्षणम आदि, ईक्षण आदि का है ना, म छूट गया है, ईक्षणम आदि यस्य सा ईक्षणादि ही, ऐसा है आपकी पुस्तक में, नहीं होगा, ईक्षण है कि नहीं, उसके बाद लिखे माँ दि, दि से पहले माँ करो, ईक्षण मादि, ऐसा है, हाँ माँ करो इसको भाई, तो विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ईक्षणम आदि यस्य सा ईक्षणादि, ईक्षण मतलब क्या, इच्छा पूर्वकम आलोचनम, इच्छा पूर्वक आलोचन, इच्छा पूर्वक उसने आलोचन विचार किए, बात समझ में आई, चलो ऐसा होता है, इच्छा क्यों हुई, पहले आपको बता दिया धर्माधर्म है ना जीवों का, इसलिए ईश्वर में इच्छा हुई, इसलिए ईश्वर में क्या होगी, इच्छा होगी, क्यों हुई, अभी बताया ना आपको, हाँ जैसे गुरु की इच्छा कैसे होती है, शिष्य की प्रभु, शिष्य का कल्याण हो जाए, और क्या, इसलिए जीवों का धर्माधर्म है ना पहले, ईश्वर जानता है हाँ, उसको भोग देना है, शरीर देना है, इसलिए ईश्वर में इच्छा हुई, बात समझ में ही, चलो है ना, हाँ इसलिए अनुभव करके सुनते रहो, है
अच्छा, अनेना जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य इति श्रुतः, ऐसा भी सुना गया छांदोग्य में। अनेना जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य, वो जीव के रूप से प्रविष्ट हो गया। कहाँ पर प्रविष्ट हो गया? शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो गया। वो प्रवेश कुछ नहीं है उसमें, अभिव्यक्त हो गया। प्रवेश और कुछ नहीं है उसमें, प्रवेश है ना, हाँ अभिव्यक्त हो गया। अरे ईश्वर यदि वहाँ पर ना हो, ये शरीर में मन में जो है सामर्थ्य कहाँ से आएगा? बोले 100 बार का बल लटका दो और उसमें शक्ति ना हो तो विद्युत शक्ति, वो क्या करेगा? बोल लटका रहेगा वो। इस प्रकार मन बुद्धि इंद्रिय में जितने भी सामर्थ्य वो ईश्वर के कारण है। बात समझ में कि नहीं? ये बोलते हैं इति श्रुतः, ऐसा सुना गया छांदोग्य में, है ना। प्रवेशांता का अर्थ लिखते हैं प्रवेशो अंतो यस्यः सा प्रवेशांता है, ये प्रवेशांता का अर्थ कर दिया, ठीक है। फिर कर्मधारा समास कर दिया कैसे? इक्षणादिश्च असौ प्रवेशांता इति च पश्चात कर्मधारा। समझ में बात? पहले इक्षणादि शब्द है, दूसरा प्रवेशांत शब्द है। प्रवेश पर्यंत, प्रवेश पर्यंत ये सृष्टि किसकी हुई? ईश्वर की हुई, बराबर है। सायं सृष्टि ही ईश्वरेण कल्पिता, ये भी ईश्वर के द्वारा क्या है? कल्पना है, मतलब माया से हुआ सब, ये कहने का सीधा अर्थ है। ये सब क्या है? माया से ही सब हुआ। किससे हुआ? माया रूपी उपाधि से ही जो होता है, बस माया रूपी उपाधि से होता है सब कुछ, बराबर है कि नहीं? हाँ ऐसा होता है। अच्छा, और जीव क्या करता है देख लो। जागृत आदि ही यस्य संसारस्य, जागृत है स्वप्न है कि नहीं? फिर जागृत स्वप्न फिर क्या होता है? बंधन है, कर्ता है, भोक्ता है और क्या, ये सब है, बराबर ना। जागृत और क्या होता है? विमोक्ष हो, विमोक्ष वाला मुक्ति। ये मुक्ति भी क्या है? ये भी कल्पना है। अभी मुक्त हो गया, सुनते भाई, अभी मुक्त हो गया ये सत्य है कि कल्पित है? हाँ, नहीं तो मुझे ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान होता है वो नहीं मानता कि मुझे ज्ञान हो गया। हाँ, ज्ञान मुझे हो गया ये भी अज्ञान है, मैं विद्वान हो गया ये भी अज्ञान है। आगे समझ में? ये सब बंधन, ये क्या बोलते, ये भी सब कल्पित ही है। आज समझ में कि नहीं? ये समझना पड़ता है। ज्ञानी अपने को यदि ज्ञानी मानेगा तो सामने वाला क्या हुआ? अज्ञानी हुआ। लेकिन उनकी दृष्टि से ना कोई अज्ञानी है ना कोई ज्ञानी, वो जानता है कि ये व्यक्ति भ्रांत में है, लेकिन मैं भ्रांत में नहीं हूँ। ऐसे माँ जानती है कि नहीं? अरे वो जैसे मान लीजिए प्लास्टिक को देख करके जो बच्चा भाग गया हो, है कि नहीं? लेकिन माँ जो है मन में हंसती रहती है, हंसती रहती कि नहीं? देखो ये मेरे बेटे को भ्रांति है। कभी कभी समझाना ही पड़ता है, कभी कभी समझाना ही पड़ता है। देख तू तू नहीं खाएगा तो दर्पण में देख, है तेरा भाई है वो। हाँ, अपना प्रतिमा को दिखा देती है, कौन भैया? तो यदि चावल नहीं खाएगा तो वो देख तेरा भाई खा लेगा, दर्पण में जो है वो है उसका, तेरा उनका भाई। फिर बोलना पड़ता है ऐसा। समझ में? इसलिए ज्ञानी जानता है एक ही आत्मा, एको देव सर्वभूतेषु गुणः, ऐसा ज्ञान इनको नहीं है। किसको? चेले को। आप फिर बोलना पड़ता, हाँ तुम ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाओगे। तो ये भी कल्पना करके बोलता है ज्ञानी। कैसे बोलता है? कल्पना। ज्ञान हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। आप पहले मुक्त नहीं है, वो जानता है कि अभी भी मुक्त है वो। कौन? गुरु जानता है, शिष्य नहीं ना जानता है। ऐसे में ऐसा होता है, जैसे माता के लिए वो बाधित है, जो भी बच्चे के लिए करता है वो माता जानती कि नहीं? उनके लिए वो क्या बाधित है वो? इसमें गुरु के लिए भी सब क्या बाधित है? ज्ञान, ज्ञानीपना, अज्ञानीपना, ये सब क्या है? बंद, ये भी कल्पित है दोनों। आगे ये अज्ञानी अपने को समझ करके कहता है कि हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं।
कौन कहता है ये? अज्ञानी शिष्य, शिष्य तो अज्ञानी है, अभी तो ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए अज्ञान रूपी अवस्था में बैठ करके वो शिष्य बोलते कि हमारे गुरु जी क्या है, ज्ञानी है। गुरु नहीं मानता अपने आप को ज्ञानी, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता चलो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये सब कल्पित है, हैं मुक्ति होना ये भी कल्पित है। विमोक्षो मुक्तिरंतो यस्य स विमोक्षांतो, ये हो गया संसार। देखो ये भी संसार कह दिया ना, मुक्ति होना ये भी संसार में है बंधन होना ये भी संसार में है, मुक्ति होना ये भी संसार में है। ये तो आत्मा तो नित्य मुक्त है भी, आए समझ में? आपको दृष्टांत बता दिया ना, अपने को अज्ञानी मानना ये भी संसार में है, और अपने को ज्ञानी मानना ये भी संसार में है, बराबर है कि नहीं? हाँ, इसलिए बोलते हैं ऐसा जो अभिमान करेगा ना वही तो जीव है, वही जीव है और क्या है, है ना? इसलिए तत् अभिमानित्वा जीवस्य, इसलिए अभिमान करने वाला वही जीव है, वही जीव है। हाँ, कैवल्य उपनिषद में कहा गया अभी, ते जागृत आदय इत्तम श्रूयन्ते, ये जागृत आदि भी इस प्रकार सुना गया है, लंबा चौड़ा सुना गया है। देखो लंबा चौड़ा सुनो, स एष माया परिमोहित आत्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, ये आप जो शरीर में जो है बैठ करके सारा कुछ करते हो, जो भी करते हो ना, जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, ये सब कहाँ पर रह कर, ये शरीर में रह कर। देखो लिख दिए स एष, वही जो जीव है माया परिमोहित आत्मा, वो माया से वो मोहित हो गया, माया से ही शरीर में आप अध्यास करते हो, शरीर आत्मा कभी भी नहीं हो सकता है कि नहीं? किसी भी दृष्टि से देखो शरीर आत्मा नहीं हो सकता है कि नहीं, बराबर है? पंचोदशी सुनते हो शरीर तो आत्मा है ही नहीं, है कि नहीं? फिर भी देखो आपको कोई बोल दिया, क्या बोल दिया? हाँ ये क्या बोलते, ये मोटू बोल दिया, क्या बोल दिया? ए मोटू बोल देते, देखो मुझे बोल रहा है, देखो कितना मुझे चिढ़ा रहा है। तो मोटापा किसका धर्म है? फिर भी आप क्या मान रहे हो, शरीर को मैं मान रहे हो, इसलिए तो क्या है मोटापा को अपना धर्म मान रहे हो, इसका बोला है ना? इसलिए किससे मोहित हुए हो आप? माया से, अज्ञान से, और कुछ नहीं, इसका हेतु तो अज्ञान। इसलिए बोलते माया परिमोहित आत्मा है ना, इसलिए शरीर में आस्था है। देखो शरीर में रह करके, मतलब शरीर में अध्यास करके करोति सर्वं, सब कुछ यही करता है। देखो जीव ही ये शरीर में रह करके करता है, चाहे अशास्त्रीय कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म हो, ये सब शरीर में अध्यास करके ही किया जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्मसूत्र में, पशुआदिभिश्च अविशेषात्, पशु जैसे व्यवहार करता है शरीर में अध्यास करके, और मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी शास्त्रीय कर्म करता है, वो भी अध्यास करके ही करता है। समझ में? ऐसा कह रहे, ठीक है। हाँ इतना जरूर है, वो नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पशु नहीं जानता है, लेकिन मनुष्य जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, उनको शास्त्र ज्ञान है मनुष्य को, पशु को शास्त्र ज्ञान नहीं है। लेकिन व्यवहार का हेतु तो अध्यास है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए कहा पशुआदिभिश्च अविशेषात्, ठीक है नारायण? चलो अच्छा आगे देखो नारायण, स्त्रियम स्त्रिय अन्नपानम अन्नपानादि विचित्र भोगई सैव जागृत परितृप्त मेति, बोलते मैं परितृप्त हो गया, मौज आ गया, बोलते ना मजा आ गया, कहते ना मजा आ गया है ना, तो तो बोलते हैं भोग से बोलता है, और क्या है भोग है ना। हाँ स्त्री अन्न पान आदि से और ले लो जो भी उप सामग्री है ना। यहाँ पर जो विच्छेद करना भैया, देखो स्त्री अन्न पान है, स्त्री के इकार है, इकार है ना, दीर्घ इकार को जो यहाँ पर यंग आदेश हुआ है, ये छांदस हो गया, होना चाहिए था इकोचुण से यण संधि होनी चाहिए, लेकिन स्त्री के इकार को यंग जो आदेश हुआ है ये क्या है, छांदस प्रयोग ये दिया है। देखो
दोनों टिप्पणी में दिया स्त्रियन्न स्त्रियन्नम इत्यत्र पादपूरणार्थो अयम यंग आदेश छांदसत्वा सर्वैर अंगीकृत दिया है आपकी पुस्तक में। हाँ जैसे दृष्टांत दिया है त्रयम्बकम इति कुमार संभवे, एक त्रयम्बकम तो बनता है लेकिन कभी कभी त्रियम्बकम भी बनता है। त्रियम्बकम त्रि आगे क्या है अम्बकम, तो त्रि के इकार को यंग आदेश हो गया छांदस प्रयोग से। ये कहाँ पर दिया कुमार संभव, कुमार संभव किसने लिखा कालिदास, कालिदास ने एक काव्य ग्रंथ लिखा है कुमार संभव, कुमार संभव बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है ना। तो कुमार संभव में एक है मल्लीनाथेन स्फुटीकृतम, कुमार संभव के ऊपर टीका है जिसने लिखा है मल्लीनाथ कोलाचल मल्लीनाथ, क्या नाम है कोलाचल मल्लीनाथ, कुमार संभव के ऊपर टीका है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है कुमार संभव, ठीक है उसने टीकाकरण ही कहा है त्रियम्बकम ऐसा शब्द दिया है। चलो जैसे त्रियम्बकम में यंग आदेश हुआ इसी प्रकार स्त्री अन्न में स्त्री प्लस अन्न विच्छेद करेंगे तो क्या होगा स्त्री आगे अन्न पानादि विचित्र भोगी, ऐसे भोग से क्या मानता है जीव हाँ जागृत में परितृप्त में थी, मैं परितृप्त हो गया तृप्त हो गया कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बाद में फिर रोता है फिर ये चाहिए है ना। बड़ी समस्या है, केवल जागृत में नहीं है सपने में भी ऐसा है, सपने भी जीव सुख दुख भोगता है, सपनों में भी सुख दुख का भोगता है क्या ये जीव क्यों भाई क्यों होता है मालूम है क्यों होता है, वहाँ पर भी धर्मा धर्म होता है। हाँ अरे भाई वहाँ पर धर्मा धर्म ये ना होता तो हमेशा सुखी होता है सपनों में, हाथी आपको क्यों दौड़ाता, सपनों में आप घूमने गए थे हैं नीलधारा तरफ जो है कौन आ गया हाथी आ गया, हाथी आने से भागते हो दुखी होते हो कि नहीं, तो इसका हेतु क्या है धर्माधर्म, हाँ वहाँ पर अधर्म है, इसलिए सपनों में भी धर्माधर्म है, बिना धर्म से सुख दुख नहीं होता है बराबर है कि नहीं ऐसा होता है। चलो सपने भी जीव सुख दुख भोक्ता हाँ स्वमाया कल्पित विश्वलोके, ये देखो वो सपना भी तो कल्पित है, सपने का संसार भी कल्पित है किससे अपनी माया से और क्या, अपनी माया रूपी दस से ही सपने की कल्पना करते हो, हेतु क्या है यहाँ पर मूल तो माया है अज्ञान है और निमित्त क्या है धर्माधर्म, निमित्त क्या है धर्माधर्म, जैसा धर्माधर्म होगा ऐसे ही कल्पना वहाँ पर होगी लेकिन है तो माया से क्योंकि मिथ्या है ना। माया रूपी दोष ही सब कुछ है वहाँ पर बराबर ना। और बोलते हैं कि सुषुप्ति काले सुषुप्ति में भी जाते हो, सपनों में कितना लड्डू खाने से आपको सुख मिलता रहेगा बोलो, कितना लड्डू खाने से आपको सुख पूरा हो जाएगा, वहाँ पर भी थक जाओगे सपनों में भी सपनों देखते देखते थक जाओगे, नहीं थक जाओगे मन थक जाता है, कौन थकता है मन थकता तो मन ही है, मन में कोई भी विचार हो कोई भी वृत्ति हो मन तो थकता ही थकता है, चाहे राजस वृत्ति हो चाहे सात्विक वृत्ति हो मन तो थकेगा ही थकेगा, क्या होने से वृत्ति होने से, मन यदि दौड़ेगा सपने मन दौड़ता है मन दौड़ेगा तो थकावट तो है ही हो, इसलिए वो उसको छोड़ने के लिए मन जो है ना एकीभूत हो जाता है लीन हो जाता है कारण में अज्ञान में ऐसे में, इसलिए बोलते हैं सुषुप्ति काले सकले बिली ने, सकले बिली मतलब क्या मन अज्ञान में लीन हो गया तो मन का कार्य भी लीन हो गया और क्या पर है कि नहीं, अरे मन जब लीन हो गया तो मन का व्यापार भी क्या हुआ लीन हो गया है ना, मन अपने व्यापार को छोड़ देता है सुषुप्ति में बराबर ना। हाँ बोले सकल बोले नहीं क्योंकि सारा संसार तो मन से हुआ ना सपना में, अरे मन जब व्यापार को छोड़ दिया तो सारा सपना भी क्या हो गया गैप हो गया कहाँ पर
सुषुप्ति। हाँ ये बोलते हैं। तो समय स्वामी जी जो आनंद मिलते हैं सुषुप्ति में, कहाँ पर सुषुप्ति में हाँ जो सुख मिलते हैं हाँ तो नित्य सुख है कि नित्य सुख नहीं, अविद्या में प्रतिबिंब सुख है। अच्छा, अविद्या में प्रतिबिंब, लेकिन प्रयास से नहीं मिलता हो, मतलब वो नित्य सुख का आवास है। हाँ सुषुप्त में प्रयास से नहीं मिलता वो, बिना प्रयास से मिलता है, इसलिए तो सब जाते हैं ना। जो बिना प्रयास से मिल जाए तो वही तो काम सब करते हैं, क्यों? क्योंकि सुषुप्त में बिना प्रयास से मिलता है, जागृत में प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? आए समझ में? तब तो अच्छा है फिर, लेकिन पुरुषार्थ नहीं होता है ना सुषुप्त में। सुषुप्त में पुरुषार्थ तो नहीं होता। पहले विचार आया ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण से क्या होता है? सुख होता है, नहीं ज्ञान होता है। और रजोगुण से क्या होता है? दुख होता है, पाप होता है। किससे? रजोगुण से। सत्वगुण से पुण्य होता है, रजोगुण सामान्य नियम है। ऐसे नहीं कि रजोगुण से केवल पाप ही होता है, रजोगुण से भी कभी कभी पुण्य हो जाता है, सामान्य नियम है। सत्वगुण से धर्म होता है और रजोगुण से पाप होता है। और तमोगुण से क्या होता है बोलो? पाप होता है कि पुण्य होता है? कुछ नहीं होता है। और वैसे ऐसे ही पड़ा रहेगा वो, तमोगुण से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता तो अच्छा है ना, पुण्य भी नहीं होता है, पाप भी नहीं होता है। किससे? तमोगुण से। तो अच्छा है। अच्छा क्या है? आयु व्यर्थ जाती है। आयु बेकार जाएगा कि नहीं? तमोगुण बनने पर कुछ नहीं करेगा कि नहीं? ऐसे ही पड़ा रहेगा और क्या, कि नहीं? हाँ, तमोगुण से यद्यपि धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं, बराबर है, फिर भी पुरुषार्थ नहीं होगा ना, पहले आयु व्यर्थ जाएगा। पुरुषार्थ जब नहीं होगा तो क्या होगा? आयु व्यर्थ जाएगा। है कि नहीं? ये सामान्य नियम है। ये क्या नियम है? सामान्य। हाँ, विशेष नियम ऐसा है, सत्वगुण होने मात्र से पुण्य होगा ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। क्या होने से? सत्वगुण से। और क्या, मान लीजिए कि ऐसा हो, सत्वगुण तो है, हाँ, सत्वगुण कहाँ पर लग गया? संसार में लगा दिया। क्या लगा दिया? संसार में। संसार के विचार में लगा दिया। सत्वगुण से विचार न करोगे तो संसार का विचार करने से क्या होगा? हाँ, तो विदेश के लोग भी देखो, कोई कोई सत्वगुणी है कि नहीं? वो कहाँ पर लगे हैं? संसार में लगे हैं। कम्युनिस्ट वाले क्या है? सबको कम्युनिस्ट वालों की भी बुद्धि भी तो कोई कोई सत्वगुणी है कि नहीं है बोलो? लेकिन लगे कहाँ पर? संसार में लगे। ऐसे भी होता है ना। और रजोगुण से देखो, हाँ, रजोगुण से पाप होगा ऐसी कोई जरूरत नहीं है, रजोगुण से ही पुण्य हो जाएगा। भाषा में जैसे मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, तुम झाड़ू लगाते रहो आश्रम में, झाड़ू लगाओ, गुरु बोल दे झाड़ू लगाओ, ये तो रजोगुण तो है ही है। क्या दौड़ना दौड़ना ये किसका है? रजोगुण का ही है। फिर भी तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना पुण्य कि नहीं होगा? पुण्य होगा। ये होता है। और तमोगुण से भी कभी कभी पुण्य हो जाएगा। हाँ, ये कैसे? अरे भी कोई मान लीजिए सोता है खूब, कोई शिष्य मान लीजिए खूब सोता है, लेकिन जब नींद आएगी तो इधर उधर सोने के लिए नहीं जाते हो, गुरु के चरणों में जाकर सोता है। क्या कह रहे हैं? गुरु के चरणों में जाकर। हाँ, तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? कल्याण। बोलो। हाँ, इधर उधर नहीं सोता हो, जाकर के गुरु के पास ही सोता है, बोलो, उसकी रक्षा होगी कि नहीं? हाँ, आजकल तो ज़्यादा सुविधा होगी ना, आजकल सुविधा हो गई। लोग बोलते हैं कि जो हमको तो अलग कमरा चाहिए। क्या चाहिए? अलग कमरा चाहिए, लैट्रिन बाथरूम अटैच चाहिए। ऐसे सब है ना बोलते कि ऐसा नहीं है, इसलिए जो है वो सोना है तो कहाँ सो जाओ, गुरु के पास सो जाओ, उसमें गलत विचार नहीं हो सकता हो। हाँ, ऐसी ऐसी परंपरा थी। हाँ, कोई उत्कृष्ट साधक है, जाओ तुम कुटिया में जाओ, तुम भजन करो। उत्कृष्ट साधक यदि हो तो गुरु क्या बोलेगा? जाओ तुम भजन करो, जानते हैं ना बिगड़ेगा नहीं, वो जानते हैं ना गुरु, हाँ, ये भजन करेगा वो। लेकिन देखते हैं कि ये तो भाई, हाँ, रजोगुणी है तमोगुणी है,
आलसी है खूब, हाँ इसलिए तुम जो है ना मेरे पास सोते हो, इसलिए गुरु जहाँ सोएंगे चेले को भी वहाँ पर सुलवाएंगे। तो है तमोगुणी है, लेकिन उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, बोला हाँ ये सब सोचना पड़ता है। इसलिए विशेष नियम है वो, सामान्य नियम कि सत्य गुण से धर्म होता है, रजोगुण से अधर्म होता है, आत्मगुण से आयु बढ़ जाती है, सामान्य है विशेष नहीं। ठीक है चलो। हाँ ये है भाष्य, ये टीका। सुषुप्ति काले, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, सकले विलीन है। हाँ लेकिन ये तम अभिभूत है, देखो तम तो अज्ञान है ना, वो अज्ञान से अभिभूत हो गया, वो मन तो अज्ञान में चला गया ना, कारण में चला गया है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है सुख रूपम एति, वहाँ पर सुख को प्राप्त करता है परमात्मा, तो आनंद स्वरूप है ही वो, आनंद स्वरूप परमात्मा का वो प्रतिफलन होता है उनकी 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 उपाधि में, अज्ञान में, कारण शरीर में, उसी को प्राप्त करता है, हो गया ना ऐसा है। पुनश्च लेकिन फिर जब कर्म, जब कर्म तो और अवशिष्ट है ना, कर्म तो समाप्त हुआ नहीं, जब कर्म जब फल देने लगेगा, जगेगा, चलो जागृत में जाओ बोलेगा कौन, कर्म, वो कर्म खींच करके जो है ले आता फिर जागृत में, हो गया उठो बोलेगा कौन, कर्म है ना, समझ में ना, वो कर्म में ऐसी महिमा है, वो परमात्मा जानते हैं ना, कौन परमात्मा जानते हैं, इसका कर्म हो गया कि नहीं, इसलिए वो उसकी निद्रा फिर खुल जाएगी, जाओ तुम जागृत में फिर। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा है ना, इसलिए अनेक कर्म है कि नहीं, इसलिए कर्म के संबंध से सैव जीव, वही चीज फिर जागृत में आता है, कर्म क्षीण हो जाएगा तो फिर सो जाएगा वो, फिर कर्म फिर जगेगा तो फिर लौट आएगा वो, ये चलता ही रहता है, ये झूलन की तरह है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, चलता रहता है, कुछ समझ में आई, ऐसा होता है। इसलिए स्वपीति फिर जग जाएगा प्रबुद्ध पूरात्र, इसलिए तीनों शरीर में ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, कब से दौड़ रहा है, हाँ ये जागरण स्वप्न सुषुप्ति में जो तीन कमरा है ना, इस तीन कमरे में वो दौड़ता रहता है, बस बदलता रहता है, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में तो कभी उस कमरे में, है ना, इसलिए पूरात्र ये तीन पुर, तीन नगर हो गया, तीन नगर, जागरा स्वप्न और सुप्ति, ये तीन में क्या करता है, क्रीड़ा ती खेलता रहता है, मतलब है ना, मतलब सुख दुख को प्राप्त करता रहता है। यश्च जीव, वही जीव तो है जो जीव, ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, मतलब ऐसे जीव से सारा संसार विचित्र है, है कि नहीं, ऐसे जीव से जागरा स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत प्रकाश थे, है देखो, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला वो अलग है, जागरा स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम, हाँ यत प्रकाश थे, इसको जो प्रकाशित करता है, समझ में ना, हाँ वो ब्रह्म है, वही वास्तविक ब्रह्म है, तद ब्रह्म वही मेरा स्वरूप है, अहम इति ज्ञात्वा सर्व बंधे ही प्रमुच, सारे बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है ना, ये विचार आया, तो यहाँ तक विचार हुआ कि किसके द्वारा कहाँ तक कल्पना हुई, ईश्वर के द्वारा कल्पित हो गई, इच्छा प्रवेश ये सब, ठीक है नारायण, हाँ पहले भी विचार आया, ये सारा संसार तो ईश्वर ने तो बनाया, और जीव क्या कर दिया, ये मेरा है, पहले भी विचार आया, समझ में आया, जैसे हो गया पुत्र, पुत्र को तो परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया, परमात्मा ने बनाया, लेकिन ये मेरा पुत्र है, ये क्या है मेरा, इसलिए दो पुत्र दो हो गए, एक ईश्वर के द्वारा बना गया पुत्र और एक माता पिता के द्वारा बना गया पुत्र, तो ईश्वर के द्वारा बना गया पुत्र कहाँ है, बाहर है, बाहर है ना, उसको सब देख रहे हैं, ईश्वर के द्वारा बना गया पुत्र को सब देख रहे हैं, वो एक ही है, वो अनेक नहीं है,
और जीव के द्वारा बना गया पुत्र वो अनेक है। कैसे अनेक हुआ? उसी पुत्र को कोई पुत्र मान रहा है ना, ये मेरा पुत्र है। वो कहाँ पर है? नाना बुद्धि में। वो मोदी पुत्र बुद्धि में है, बात समझ में आई? और उसकी पत्नी आ गई तो, पुत्र की पत्नी आ गई तो वो क्या माने? वो भी पुत्र मानेगी क्या? वो क्या मानेगी? वो पुत्र तो एक ही है। हाँ उसमें हैं, वो पति है, ये मेरा है, ये मेरा पति है। हाँ तो मेरा पति है वो उनकी बुद्धि में, पत्नी की बुद्धि में। आगे समझ में? ठीक है नारायण। और कोई बाघ आ गया तो, आदमखोर बाघ आ गया तो क्या वो पुत्र मानेगा क्या? हाँ उसको क्या मानेगा? ये तो भोजन है वो। उसमें जो भोजन की बुद्धि हो जाएगी। कि नहीं आए समझ में? कि नहीं? और कोई मान लीजिए भगवान का भक्त है तो, बोलो भगवान का भक्त है तो क्या है उनके लिए? हाँ भाई ये तो परमात्मा है, ये क्या है? किसके लिए होगा? हाँ उस परमात्मा की बुद्धि करेगा वो, और तब परमात्मा ने बनाया बोलेगा वो, ये भी तो भक्ति हुई ना। सब कुछ भगवान का है। हाँ इसलिए भगवान का है ये, तो भक्ति होगी कि नहीं होगी? आगे समझ में? और कोई मान लीजिए ज्ञानी है, वेदांत का ज्ञानी होते क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, ये सब होता है। ठीक है चलो, इसलिए कह दिया वो जीव। पहले भी विचार आया, ये भी जीव के द्वारा ही सब, किसके द्वारा? ये जीव की सृष्टि हुई। और वो जो सामने सबको जो दिखाई दे रहा है वो ईश्वर के द्वारा। और उसमें जो मदियत तो जो मेरापन आ रहा है वो क्या है? जीव का है। ये भी जीव की सृष्टि होगी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। ये मनन करने जैसा, संसार अपन नहीं बनाया है, और बाहर नहीं, अपने मन में ही।